वेलकम टू इंडियन यूथ विकास। तो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ दक्षिण रेलवे का जोनल रेलवे हॉस्पिटल, जिसे सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल पेरहम्बर भी बोलते हैं। और यह दक्षिण रेलवे का सबसे बड़ा अस्पताल है, और साथ ही साथ जहाँ देश के कोने कोने से भी पेशेंट का आना जाना होते रहता है। इस वीडियो में मैं आपको दक्षिण रेलवे का ये इस अस्पताल के बारे में हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। कौन सा ओपीडी कहाँ संचालित होता है, किस रूम में, किस फ्लोर पर, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, हर एक बात को मैं बताऊँगा। और यहाँ आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अभी दरवाज़ा खुलने ही वाला है, 6:30 हो चुका है, और यहाँ अभी ब्लड सैंपल देने वालों का भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं। अब जस्ट ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ये देख सकते हैं दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाज़ा के खुलते ही सभी लोग अंदर जाएंगे। और यहाँ पर पुस्तिकाओं को, अपना हेल्थ बुक को रखे हुए हैं सभी जो ब्लड देना चाहते हैं, यहीं पर बाहर में नंबर लगा करके रखे हुए हैं। और अब अंदर जाएंगे, और यहाँ आते ही ये देखिए, यहाँ पर कुछ मैप दिया गया है, बताया गया है कि किस फ्लोर पर कौन सा है। ये देखिए, ग्राउंड फ्लोर का है, ये फर्स्ट फ्लोर का है, ये सेकंड फ्लोर का है, तीनों फ्लोर का जो है वो यहाँ शिशु स्तनपान कक्ष भी है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, इंक्वायरी यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए बैठे हुए सभी नंबर लगाने के लिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अभी क्लोज्ड है, रजिस्ट्रेशन एंड इंक्वायरी। ये देखिए मेन तो खुलने का टाइम है और बंद होने का टाइम है, देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, और यहाँ से लिफ्ट मिल जाता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जाने के लिए, इधर से लिफ्ट की भी सुविधा है, और बगल में ही स्टेयर है, और इधर पेडियाट्रिक वगैरह नीचे में ही आपको मिल जाता है, वो देखिए 103 है, और यहाँ सामने में ही 105 है, 106 है, जहाँ की बच्चों के लिए है। और मेडिसिन आपको यहीं पर ये काउंटर के पीछे में, जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, इसी के पीछे में ही दवाई मिलता है, दवाई मिलने के लिए वहाँ जगह है। यहाँ की एक खासियत है कि ये प्रायोरिटी काउंटर काउंटर नंबर 7 में है, जो कि रेलवे हॉस्पिटल पेरहम्बर के जो भी स्टाफ हैं उनके लिए है, और 80 वर्ष से ऊपर के ऊपर आयु के लोगों के लिए, बुजुर्ग के लिए भी काउंटर नंबर 7 है, और जो फिजिकली चैलेंज पेशेंट हैं उनके लिए भी सेपरेट काउंटर नंबर 7 बनाया गया है। जैसे अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन, इधर मेडिसिन के लिए है, यहाँ सभी काउंटर मेडिसिन के लिए हैं, देख सकते हैं। और फिर ये कैजुअलिटी के लिए यहाँ है 109, अब 7 बज चुके हैं। एक्सरे के लिए आपको यहीं पर बगल में मिल जाता है, अंदर की ओर जाना पड़ता है, और किसी को जो है आपको वैक्सीन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए वहाँ पर है। और ये चाइल्ड ओपीडी 106, 105, फीमेल के लिए 104, 103, और रिटायर्ड एम्प्लॉय के लिए इधर है 102, 101, ऑर्थोपेडिक 111, यानी 100 प्लस जो भी हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर हैं। 200 वाला जो भी है, 200 वाला फर्स्ट फ्लोर पर है, 300 वाला जो भी होगा वो सेकंड फ्लोर पर मिलने वाला है, और बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ। मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर में ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर आ चुका हूँ, ये दक्षिण रेलवे का जनरल रेलवे हॉस्पिटल है। और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए तो भाई ये तो स्पेशलिस्ट हैं, ये हर चीज़ में जो है ये माहिर है यह हॉस्पिटल। और यहाँ पर यदि कोई हार्ट पेशेंट आते हैं तो अपना रेफ़र करवा करके आएँ, जो बाहर से आते हैं तो रेफ़र करवा करके आएँ, और आ करके यहाँ पर आपको नंबर लगाना होता है, और फिर यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ हर विभाग का ओपीडी है, यानी कि
स्पेशलिस्ट हैं। अब चलता हूँ लेकर के, हाँ गायनो को वगैरह सब यहाँ है। ये देखिए, कोई पूछ रहे थे मुझसे सेट्री के बारे में, तो ये देखिए मैं दिखा देता हूँ उनको। मुझसे यूट्यूब पर ही पूछ रहे थे कि सर जो है सेट्री डॉक्टर हैं क्या, तो उनको मैं दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। देख लीजिए आप, डिपार्टमेंट ऑफ जी सदर रेलवे हेडक्वार्टर, और रूम नंबर भी देख लीजिए। ये देखिए मंडे वेडनेसडे लिटिगेशन क्लिनिक, ट्यूसडे जनरल एंड मेमोरी क्लिनिक, थर्सडे जनरल सेक्रेटरी, फ्राइडे बाय अपॉइंटमेंट ओनली, सैटरडे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, मंडे टू फ्राइडे आफ्टरनून काउंसलिंग बाय अपॉइंटमेंट इंडोर पेशेंट एंड इंडोर पेशेंट। तो ये रहा, ये है गायनेकोलॉजिस्ट का ड्यूटी रोस्टर, फैमिली प्लानिंग, हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्लिनिक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, यानी सप्ताह में 6 दिन है, मंडे टू सैटरडे है। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सर फर्टिलिटी क्लिनिक ट्यूसडे एंड फ्राइडे, गायनेकोलॉजी क्लिनिक वेडनेसडे को। नेफ्रोलॉजी ओपीडी 9 से 1 बजे मंडे टू फ्राइडे। न्यूरोसर्जन मेडिकल क्लिनिक यहीं पर मिल जाता है, 211, 212, 213, 214, 215 में सर्जिकल क्लिनिक। ये है सेकंड फ्लोर पर कार्डियोलॉजिस्ट, नो कार्डियोलॉजी ओपीडी ऑन सैटरडे संडे एंड हॉलीडे। यहाँ आकर के आपको नंबर लगाना पड़ता है, ठीक है यहाँ पर, और यहीं ऊपर में ही आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं 304 है, 303 है, 305, इसमें कार्डियोलॉजिस्ट ही बैठते हैं, और ब्लड सैंपल भी यहीं पर लिया जाता है सेकंड फ्लोर पर। इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा, ये देखिए ईएनटी का, ईएनटी सेकंड फ्लोर पर ही है, नो ओपीडी ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे थर्सडे को क्या होता है भाई, जो सर्जरी करवाते हैं नोज का, ठीक है, और टेस्ट करवाते हैं हीयरिंग का, तो उनके लिए है, न्यू बॉर्न के लिए वही ट्यूसडे एट 2 PM, थर्सडे एट 2 PM। 312 में सेकंड फ्लोर पर आई ओपीडी है, और आईसीएफ के हों, चेन्नई डिवीजन के हों, या एगमोर हॉस्पिटल से हैं, तो आपको जो है ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से रेफर करवा करके आना होगा। तो ये है, और 12 से 1 के बीच में क्या बोला जा रहा है, ऑल फार्मा और एंड सर्जिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये सभी ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, सॉरी आई स्पेशलिस्ट हैं। आई के ठीक बगल में 313 है, 313 में डेंटल ओपीडी है। हाँ भाई, यहाँ पर नो मास्क नो एंट्री है 311 में, देख लीजिए यहाँ एक डॉक्टर हैं, ए बाबू। तो भाई जो भी पेशेंट बाहर से आते हैं वो अपने हॉस्पिटल से रेफर करवा करके ही आएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो।